हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हैबिट ऑफ मार्केट में तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही एक सही चीज़ बताने जा रहा हूं और दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग की सच्चाई से अवगत कराने जा रहा हूं आपको मैं दोस्तों देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है दोस्तों वो बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है दोस्तों ये ऑप्शन चेंज जो होती है ना दोस्तों मैं पिछले चार साल से इसको ड्राइव कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग को ठीक है दोस्तों मगर मैं दोस्तों अभी भी मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि हाँ मेरे को सीक्रेट uh, मालूम चल गया है ऑप्शन ट्रेडिंग का दोस्तों मैंने दस दस साल वाले भी मेरे फ्रेंड हैं मेरे भैया हैं मेरे सीनियर हैं जो भी मैं एक दो लोगों से मिला हूं दोस्तों मैं आपको बताऊं दोस्तों ये सच्चाई आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा सब फाकते रहते हैं एक लाख प्रॉफिट दो लाख प्रॉफिट चार लाख प्रॉफिट कुछ नहीं होता दोस्तों सब वो सब दोस्तों हफ्ते भर में एक दिन मार्केट आपको प्रॉफिट देता है लेकिन दोस्तों उस दिन भी बंदा रुक नहीं पाता है मार्केट में और छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल आता है लेकिन लॉस बड़ा लेने के लिए तैयार रहता है तो दोस्तों ये एक साइकोलॉजी होती है दोस्तों यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में ठीक है दोस्तों दस परसेंट का जो बोलते हैं नब्बे परसेंट का बोलते हैं वो भी झूठ है दोस्तों मैं आपको बताऊं वो भी वो नब्बे का बोलते हैं ना वो निन्यानवे परसेंट लॉस करते हैं दोस्तों मैं आपको सच्चाई से अवगत करा दूं दोस्तों मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आज मेरा लॉस हुआ है या फिर कल मेरा लॉस हुआ था इसलिए मैं परेशान हूँ इस तरीके से आपको भाषणबाजी दे रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों आज 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 मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों ज़्यादा नहीं तो मेरा सोलह सौ सो का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों ठीक है दोस्तों और ये सोलह सौ सो का प्रॉफिट जो मैंने आज किया है ना दोस्तों मैं आपको इसका पी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग दिखाते हैं मैं मैं ना ही दोस्तों आपको अपना लॉस दिखाऊंगा और ना ही आपको अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा ठीक है दोस्तों आप इस चीज़ में मत रहना आपको भरोसा करना होगा दोस्तों यहाँ पे जो सोलह सौ रुपये प्रॉफिट है दोस्तों सुबह मैंने सोलह सौ कर लिया था पूरा प्रॉफिट सत्रह सौ तक भी कर लिया था सुबह लेकिन नहीं मानता मन दोस्तों नहीं मानता फिर से घुसने का मन करता है ऑप्शन मार्केट में फिर से घुस गए दोस्तों मैं आपको बताऊँ मैं दो हजार तक माइनस में आया था लेकिन दोस्तों मैं होल्ड किया उसको उसको मैं लॉन्ग होल्ड किया पुट साइड को ठीक है दोस्तों पुट साइड का आप देखे हैं दोस्तों आज कितना बड़ा रैली आया है यहाँ पे देखिए दोस्तों पुट साइड का कितना बड़ा रैली आया है अगर मैं रुकता वहाँ पे तो पंद्रह बीस हजार रुपये प्रॉफिट कर लेता ठीक है दोस्तों ऐसा ही है ना दोस्तों लेकिन रुकता दोस्तों कुछ नहीं होता है जो अपन को प्रॉफिट चाहिए ना बस उतना ही लेना मार्केट से बाकी रिग्रेट फील नहीं करना है डेली डेली रिग्रेट फील करोगे आप मार्केट एकदम से ऊपर चला गया कॉल नहीं ले पाए मार्केट एकदम से नीचे आ गया पुट नहीं ले पाए फिर ऊपर चला गया कॉल नहीं ले पाए फिर नीचे आया पुट नहीं ले पाए फिर ऊपर चला गया कॉल नहीं ले पाए पुट नहीं ले पाए यही चलता रहता दोस्तों ठीक है दोस्तों तो आपको दोस्तों मैं बताऊँ समझने की आपको एक चीज ज़रूरत है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूं जब मेरा नहीं बना है मैं मैं प्रॉफिट में हूं ठीक है दोस्तों बट शेयर मार्केट में प्रॉफिट में हूं मैं मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट में नहीं हूं दोस्तों मैं टोटल शेयर मार्केट में प्रॉफिट हूं ठीक है दोस्तों क्योंकि जो मैंने अपना पोर्टफोलियो जो भी मेरी होल्डिंग्स है उसको मैंने दिल पर पत्थर रखे दोस्तों उसको होल्ड किया हुआ है मैंने पिछले ढाई साल से ठीक है दोस्तों ढाई साल से चार साल पहले मैंने ट्रेडिंग चालू किया था लेकिन इसके बाद में ढाई साल से उनको जो है होल्ड किए हुए दोस्तों और बहुत भी बढ़िया स्टॉक है, है दोस्तों मेरे पास ठीक है दोस्तों उसमें से एक ही स्टॉक मेरा माइनस में है बाकी नौ जो स्टॉक है वो सारे के सारे प्लस में है और बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज में मेरे को प्रॉफिट दे रहे हैं ठीक है दोस्तों ये मेरे लॉन्ग टर्म है दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मेरे लॉन्ग टर्म है इसमें से एक दो ऐसे भी रहते हैं जो शॉर्ट टर्म रहते हैं दोस्तों उसमें मैं पाँच परसेंट या दस परसेंट प्रॉफिट जो भी मैं सोच के जाता हूं जो जिस टारगेट के भरोसे मैं जाता हूं उसी टारगेट पे निकाल आता हूँ यहाँ पे दोस्तों अंधा धुंध कमाई नहीं होने वाली है आप अंधा धुंध के लिए बैठे हैं ना तो लॉन्ग टर्म में बढ़िया से स्टॉक जब अपना बॉटम पे आ जाए ना दोस्तों जब बढ़िया सपोर्ट पे आ जाए ना अपने तो आपको उसको पिक करना चाहिए और कम क्वांटिटी में पिक करना चाहिए दोस्तों शुरुआत में और इसके बाद आपको उसको यदि वो आपके प्राइस रेट से नीचे जाता है तो उसको आपको नंबर बाई नंबर एवरेज करना चाहिए ठीक है दोस्तों आपको कुछ कैपिटल हाथ का कैपिटल जो आपने हाथ में कैपिटल है ना जो आपके वॉलेट में रहता है ना कैपिटल वो आपको वॉलेट में रखना पड़ेगा ठीक है दोस्तों आप वॉलेट को खाली नहीं कर सकते आप वॉलेट को एक 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 लिमिट बना लीजिए कि इतने से मैं कम नहीं करूँगा वॉलेट में पैसा और इतने से मैं ज़्यादा नहीं करूंगा पैसा ठीक है दोस्तों इस प्रकार की दोस्तों मैं चीज़ें बताता हूँ आपको शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए ज़्यादा है तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग को शेयर मार्केट की तरह एक शेयर की भांति उसको ट्रीट कीजिए कैसे जैसे कि मैंने बताया है दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम पे वन डे टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कीजिए कोई भी रेंज कहीं की भी ब्रेक होती है कोई भी रेंज कहीं की भी रेंज दोस्तों यहाँ पे देखिए आज ब्रेक हुआ है ब्रेक होती है तो आपको यहाँ पे पोजिशनली आपको पोजीशन लेनी है दोस्तों पोजिशनली आपको ट्रेड करना है और मंथली टाइम फ्रेम सॉरी मंथली वाली स्ट्राइक प्राइस लेनी है दोस्तों ठीक है दोस्तों मंथली वाली यदि नहीं ले पा रहे हैं आप तो एक या दो हफ्ते बाद की लेना आप एक्सपायरी ठीक है दोस्तों क्योंकि मूवमेंट मंथली वाली में थोड़ा सा दोस्तों कम होता है मैं आपको बता दूं मंथली वाली में मूवमेंट थोड़ा सा कम होता है लेकिन एक बात आप गांठ बांध के रख लीजिए मंथली वाली में कम होता है मैंने मान लिया कम होता है ठीक है दोस्तों लेकिन मंथली वाली यदि आपके आपके अपोजिट चली गई यदि तो माइनस भी कम ही होता है ना दोस्तों समझ रहे जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है समझ रहे दोस्तों तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा यदि आप एक दो हफ्ते बाद वाली कोई स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो उसमें दोस्तों उसका जो थीटा वीटा जो भी होता है ना दोस्तों वो वॉलेटिलिटी उसमें ज्यादा रहती है दोस्तों वो जितना प्लस दिखा सकता है ना उतना माइनस भी दिखा सकता है ठीक है दोस्तों तो उसके लिए आप तैयार रहना तो मैंने आपको मंथली ट्रेड में और एक दो हफ्ते बाल बाल ट्रेड में जो अंतर होता है जो डिफरेंस होता है मैंने आपको बहुत ही सटीक तरीके से समझा दिया दोस्तों ठीक है दोस्तों तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग इस प्रकार से जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आपको दोस्तों केवल इतना याद रखना है कि मुझे पैसे नहीं गंवाना है ठीक है आप प्रॉफिट को लॉक नहीं कर सकते मैनेज नहीं कर सकते प्रॉफिट को तो आप अपने लॉस को मैनेज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है लॉस को मैनेज करने की प्रॉफिट की नहीं है प्रॉफिट पता नहीं कितना हो कितना कम हो कितना ज़्यादा हो क्या मालूम किसी को ठीक है दोस्तों लेकिन लॉस तो एटलीस्ट अपना क्लियर कर सकते हैं आप यदि आप इंटरा डे में एम आई एस पे कोई ट्रेडिंग ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको बहुत सोच विचार के वो ट्रेड लेनी पड़ेगी क्योंकि ये एम आई एस की ट्रेडिंग ये इंटरा डे तक ही चलेगी ठीक है दोस्तों और वो आपको घाटा भी दे सकती है तो वहाँ पे दोस्तों जब आप एम आई एस में कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे लेते हो ना दोस्तों तो आपको वहाँ पे ज़्यादा लॉट में ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में जाना चाहिए और वो भी कब जाना चाहिए जब आपका ट्रेड ट्रेड को चार से पाँच कन्फर्मेशन हो ठीक है दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी ट्रेड में किसी भी लेवल पे बाई करने के लिए या सेल करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं आप तो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने स्ट्रेटजी पर भरोसा होना चाहिए तभी आप उसको लें नहीं तो इंटरा को दोस्तों गोली मारो छोड़ो इतना चीज़ है आपके पास शेयर मार्केट है शॉप आप मत करो ऑप्शन ट्रेडिंग आप एक काम करो आपको लॉन्ग टर्म में नहीं आना है शेयर मार्केट में आप शॉर्ट टर्म में जाओ ठीक है दोस्तों तीन बजे के बाद आप कोई भी शेयर एक बढ़िया सा पिक करो ठीक है दोस्तों और पिक करो और सुबह सुबह बी टी एस टी के जैसे उसको बुक कर लो पाँच सौ हज़ार डेढ़ हज़ार दो हज़ार जितना मिले बस बुक कर लो खत्म हो गई ऑप्शन ट्रेडिंग आपकी इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं ना दोस्तों तरीका अलग अलग है लेकिन जिसमें ज़्यादा सहूलियत ना है मैं आपको वो बता रहा हूँ दोस्तों यहीं से आपका ट्रेडिंग लाइफ टर्न ले सकती है वरना और कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है दोस्तों आपको बता दू मैं वरना और यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के भरोसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों आप हर बार अपने वॉलेट को फिल करेंगे दस हज़ार बीस हज़ार तीस हज़ार और हर बार उसको जब तक आपके पास वॉलेट में मनी रहेगा जब तक आप फाइट करते रहोगे मार्केट से ठीक है और बस उसके बाद जैसे ही वॉलेट खत्म हुआ आप दो चार दिन के लिए फिर परेशान हो जाओगे फिर से दो चार दिन बाद आप फिर से नया कैपिटल उसमें ऐड कर लोगे और फिर से खेलने तैयार हो जाओगे ऐसा नहीं करना है दोस्तों यही तो दोस्तों लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है हार ना मानना ये दोस्तों ये यहाँ पे कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही है जिसमें हारना और जीतना आपके लिए कुछ है आपको बीच का रास्ता भी देखना है कि कहाँ से मान लो कभी जीत नहीं मिल पा रही है तो टाई हो जाए मैच को टाई करा सको तो आपको वो कोशिश करनी है कि हमें टाई वाली कहाँ मिल रही है चीज़ स्विंग ट्रेडिंग में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों बहुत बढ़िया तरीका है ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से आप लोगों को मुझे आप आज थोड़ा सा नॉलेज देना था ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ऐसा मत समझिए दोस्तों मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आज भी लॉस में हूँ ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों ठीक है दोस्तों मैं प्रॉफिट में किस वजह से हूँ मैं शेयर स्टॉक में होल्डिंग्स में अपनी उसकी वजह से मैं प्रॉफिट में हूँ दोस्तों ठीक है दोस्तों उसकी वजह से वो चीज़ जो मैंने कर दी थी ना दोस्तों वो काम दे रही है आज मैं आपको बता दूँ और ऐसा नहीं है दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स बाई और सेल करने का जो होता है दोस्तों उसमें बहुत ही बढ़िया है आपका ब्रोकरेज भी बिल्कुल आप शेयर खरीदते हैं तो जीरो रुपये लगता है और जब बेचते हैं तो पंद्रह बीस रुपये पंद्रह सोलह रुपये करीब कटते हैं बस तो दोस्तों कितना सस्ता भी है आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं तो दोस्तों पचपन से साठ रुपए आपका एक बाय सेल में कट जाता है कितना ज्यादा ब्रोकरेज दे रहे हो आप समझ रहे हो दो चार ट्रेड आपने कर ली आप डेली का दो ढाई सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ ब्रोकरेज दे रहे हो जीरोधा वालों को कहीं एंजल वन वालों को कहीं आप स्टॉक वालों को कहीं इनको बना रहे हैं आप और देखिए एंजल वन का शेयर कितना हाई पे हाई लगा रहा है क्योंकि ब्रोकरेज कमा कमा के कमा कमा के कंपनी को ऊंचाइयों पे पहुंचा रहा है मोतीलाल ओसवाल देखिए आप एस आई पी करे बैठे हैं और आप देखिए मोतीलाल ओसवाल कैसे बिल्कुल एक के ऊपर एक जा रहा है शेयर ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा एनालिसिस में आपको बता देता हूँ आज यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों डे टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है दोस्तों मैंने यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं वनडे में ये हैंगिंग मैन या फिर हैमर टाइप डोजी टाइप एक यहाँ पे कैंडल बना है ठीक है दोस्तों अब एक तो इसने ये वाले चैनल को ब्रेक कर दिया है ठीक है दोस्तों और ब्रेक करके वापस भी आ गया है ठीक है दोस्तों लेकिन ये क्या है दोस्तों ये मेरी नज़र में मैं इस चीज़ को रिटेस्ट बोलूँगा यहाँ पर मार्केट नीचे गया लाइन को ब्रेक किया रिटेस्ट किया रिटेस्ट भी कर लिया आज ही अब कल गिरने के लिए तैयार है समझ रहे दोस्तों गिरने के लिए तैयार है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं गिरना चाहिए ठीक है दोस्तों ये मार्केट यहाँ से यहाँ आया यहाँ से नीचे आया अब रीटेस्ट कर लिया अब रीटेस्ट करने के बाद गिरेगा दोस्तों तो इस लाइन तक अब समझ गए आप यहाँ तक यहाँ तक गिर सकता है मार्केट दोस्तों या फिर यहाँ तक गिर सकता है वही लेवल है दोस्तों यहाँ तक गिर के यहाँ से सपोर्ट लेके हो सकता है मार्केट डब्लू पैटर्न बनाए ठीक है दोस्तों ये तो हो गया पुट साइड का यदि मार्केट दोस्तों गैप डाउन खुल जाए आपका कल यहाँ वहाँ खुले तो यहाँ वहाँ से तो दोस्तों रिकवरी ही आनी है अगर इस एरिया में खुलता है तो फिर रिकवरी ही आनी है ठीक है दोस्तों यदि इस एरिया में नीचे खुल जाता है इस लाइन के तो मार्केट वीक हो चुका है समझ लीजिएगा आप मार्केट डाउन ट्रेंड में फुल डाउन ट्रेंड में आ गया है बिल्कुल फुल वॉलेटल के साथ तो आप पुट के लिए वहाँ पर तैयार हो जाना ठीक है दोस्तों ये तो हो गया पुट के लिए मार्केट गिरने के लिए अब मार्केट चढ़ने के लिए क्या है मार्केट चढ़ने के लिए दोस्तों यहाँ पे इसको हैमर भी मान सकते हैं ठीक है दोस्तों या फिर एक डोजी भी मान सकते हैं जो भी मानना है आपको मानिए दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये पैटर्न क्या बन रहा है ये वाला शोल्डर ये शोल्डर है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ ये शोल्डर हो गया ये हेड हो गया अब यहाँ पे फिर से शोल्डर बन के रिकवरी भी तो कर सकता है ना दोस्तों समझ रहे आपको मार्केट में दोस्तों संभावनाएं ढूंढनी है, है। संभावनाएं क्या हो सकती हैं एक बार में तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं यहाँ तक आया यहाँ तक यहाँ से फिर रिजेक्शन ले लिया हो सकता है ये गजब वाला रिटेस्ट हो बाकी दोस्तों मैंने आपको बताई है कभी भी अगर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट के सबसे डाउन से आता है सीधा सीधा ब्रेकआउट देखिए दोस्तों कभी भी नीचे से आता है तो ऊपर तक जाता है मार्केट और यदि नीचे जाना है मार्केट को तो बिल्कुल टॉप से जाके गिराएगा टॉप से जाके गिराएगा बिल्कुल टॉप से जाके गिराएगा ठीक है दोस्तों इस चीज़ को मार्केट की ये हरकत है और ये हर बार करता है मार्केट फिर भी आप लोग समझते नहीं है ठीक है दोस्तों हर बार मार्केट यही हरकत करता थी कि आप टॉप पे गया नीचे हरकत ये हर बार करेगा दोस्तों तो यहाँ पे आपको कल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं तो दोस्तों मार्केट आपकी ले लेगा ठीक है दोस्तों और मेरे हिसाब से दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा डालना बंद कीजिए जितना वॉलेट में है उससे आप फाइट कीजिए और बहुत कम कम प्रॉफिट कीजिए आप अपने मन को समझाइए थोड़ा सा कि भैया इतना नहीं मिलता है डेली देल डेली ठीक है डेली डेली इतना नहीं मिल पाता जितना मिल सकता है ना डेली देल डेली मेरे हिसाब से दोस्तों यदि आप बिगनर ट्रेडर हो आपको अभी दो चार महीने या फिर छः महीने साल छः महीने हो गए हैं तब भी आपको डेली का पाँच सौ का टारगेट रखना चाहिए ठीक है दोस्तों यहाँ पे डेली आपको पाँच सौ प्लस रुपए का टारगेट रखना चाहिए यदि आपको एक दो साल हो गए हैं तो आप हजार का रख सकते हैं ठीक है दोस्तों और मैं मैं भी दोस्तों यहाँ पे हज़ार पंद्रह सौ तक का मिनिमम भी रखता हूँ यदि इतना मुझको हो जाता है ना मैं मार्केट से निकल जाता हूँ पंद्रह सौ दो हज़ार ढाई हज़ार कुछ भी हो गया तीन हज़ार जब कभी बड़ी बड़ा ट्रेड मिल गया तो अच्छी बात है नहीं मिला तो इतना मैं मिनिमम ले निकल जाता हूँ फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ ना मैं रिस्क लेता हूँ कोई मैं एक रत्ती भर की रिस्क नहीं ले सकता हूँ और मैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ मैं जीरो हीरो बिल्कुल नहीं करता हूँ और जीरो हीरो से मुझे नफरत टाइप की है दोस्तों मैं आपको बता दूँ जीरो हीरो से मेरे को बहुत नफरत है बी टी भी दोस्तों मैं बहुत ही महीने में एक या दो बार लेता हूँ जब मैं हंड्रेड परसेंट कन्फर्म हो जाता हूँ कि आज क्या होगा कल क्या होगा तब भी मैं यहाँ पे बी लेता हूँ ठीक है दोस्तों यदि ये लाइन अच्छे से ज़्यादा ब्रेक कर जाती और यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल क्लोज हो जाती तो मैं यहाँ पर बी में पुट ले लेता लेकिन यहाँ पर हैमर बन गया हेमटाइ बन गया यहाँ पे क्या बन सकता है यहाँ पे एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने बने और यहाँ पे देखिए आप ये मॉर्निंग स्टार बना देगा और मॉर्निंग स्टार बना के ब्रेकआउट कर सकता है सीधा सा है पता नहीं मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कौन सी न्यूज़ कहाँ से क्या आ जाए तो नीचे का भी बन रहा है यहाँ पे ऊपर का भी बन रहा है दोनों तरफ दोनों तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है दोस्तों नीचे से आया तो रिटेस्ट भी ले चुका है गिरने के लिए तैयार भी है ऊपर है तो यदि ऊपर गैप खुल गया और ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी कल के दिन तो अगले दिन ब्रेकआउट भी मिल जाएगा तो ये सब सब बातें हैं ठीक है दोस्तों इन सब बातों को आप अपने चार्ट पे भी एनालाइज़ करें मैं लेवल लेवल में ज़्यादा नहीं बताता हूँ कितना चालीस हज़ार पैंतालीस हज़ार बाईस हज़ार बीस हज़ार ये सब नहीं बताता हूँ मैं यहाँ पे लाइनें खींच रखी हैं मैंने जो स्ट्रक्चर बना के रखा है वो आप लोगों के लिए बना के रखा है आप लोग उस स्ट्रक्चर को इसको स्क्रीन शॉट लेके एज़ इट इज़ आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही बाकी दोस्तों देखेंगे बाद में और भी बताएंगे आपको ठीक है दोस्तों और भी आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा मैं थोड़ा सा यदि आप नहीं मान रहे हैं तो कुछ एक एक या दो ट्रेड आप दिन भर में ले सकते हैं तो वो कैसे लें कितनी सफाई से लें वो भी मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा आप बहुत ज़्यादा सफाई से आपको घुसना है और निकलना है कुछ नहीं दोस्तों दस बीस तीस सेकेंड के लिए ठीक है दोस्तों स्कैल्प स्कैल्प स्ट्रैटेजी बताऊँगा मैं आपको अगले वीडियो में और बहुत ही कारगर है दोस्तों लगभग लगभग नाइन्टी मेरी बोझ सही होती है कभी कभी फेल भी हो जाती है पाँच ठीक है दोस्तों तो मैं आपको वो बताऊँगा बहुत ही शार्प स्ट्रैटजी है वो ठीक है दोस्तों बाकी दोस्तों नमस्कार जय हिंद